बहुत इमोशन यहाँ पर आकर और जी आई थिंक आई डोंट नो से एनीथिंग हैज बीन मैजिक फॉर अस. तो मैंने इसके प्रोमोज देखे हैं अभी एंड व्हाट डू आई से, इट्स जस्ट मिसिंग. सबसे खूबसूरत बात थी कि वो जिससे भी मिलते थे उसे ऐसे मिलते थे जैसे उसे बहुत से जानती है, इतनी बॉन्ड थी, इतना प्यार था, ऐसा नहीं लगता था कि वो स्टारडम अपने साथ ही जाना चाहते हैं. सो दैट आई थिंक आई डोंट मिस. लास्ट सवाल है, अटैक हो जाते हैं हमेशा रिलीजियस को टारगेट किया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? सब जानते हैं और सब मानते हैं कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं है. दिस इज जस्ट वेरी वेरी सैड. इट इज वेरी वेरी व्हाट डू आई से, इट इज शॉकिंग टू हियर समथिंग लाइक दैट. मुझे नहीं लगता इस रिलीजन का नाम है. दिव्या जी, एक सवाल कल का खास तौर पे, कल जो इवेंट हुआ था यहाँ पे, इवेंट में थी मगर आपको स्टेज पे नहीं बुलाया गया या आप आए? ये किसने स्टोरी बोली? एक वक्त दिया गया था मैंने कि हम इतने बजे करेंगे, फंक्शन लेट हो गया क्योंकि नीचे ड्रामा का स्किट चल रहा था, उसमें लेट हो गए एंड आई टोल्ड कुशन कि मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं मालूम था कि बस शुरू हो गया है और उसी वक्त मैं निकल गई. सो आई डोंट नो कहाँ से स्टोरी बनी. इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और मेरा रोल बहुत अच्छा है, मतलब आई वुड आई इवन इट्स अ ग्रेट, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है बाबा कुशा करने का. और आप देखेंगे जब फिल्म तो यू नो समथिंग, आई थिंक आई बी हियर इनफ टू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ सीन्स. थैंक यू. थैंक यू. ओमपुरी जी की ये आखिरी फिल्म है. उन्होंने बहुत प्यार से इस फिल्म में काम किया क्योंकि उसकी डायरेक्टर उनकी वाइफ थी. जब उनकी वाइफ डायरेक्ट कर रही है और सीमा जी के भाई अनु कपूर उसमें एक्टर हैं, ओमपुरी जी खुद एक्टर हैं, तो सब मिला के उन्होंने इस फिल्म को बहुत आशीर्वाद दिया. लखनऊ में जब हम शूट कर रहे थे तो एक एक चीज़ पे वो ध्यान देते थे. सिर्फ यही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो बाकी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान रखते थे. तो इस फिल्म से हमें बहुत उम्मीद है क्योंकि इसमें बड़ा ह्यूमर है, फिल्म में हंसी मजाक है, फिल्म में स्वच्छ भारत की एक कल्पना है. तो सारा कुछ मिला के बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है. मुझे विश्वास है कि लोग इसका मजा लेंगे. कैसा एक्सपीरियंस रहा है ना साधना, यू नो सारिका जैसे एक्ट्रेस फिल्म का हिस्सा है, ओम जी खुद इस हिस्सा है? सारिका तो मजी हुई आर्टिस्ट हैं, विनय पाठक हैं, ओमपुरी जी हैं, तो ये लोग सब लाला जी हैं, तो ये लोग तो सब बड़े आर्टिस्ट हैं और जो काम ये करते हैं सूझबूझ का काम करते हैं, अच्छा करते हैं. तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम चीज़ पेश कर रहे हैं उसका लोग मजा लेंगे. बिल्कुल हो जाते हैं, जब ओम जी की याद आती है तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त रहे हैं बहुत पहले से और उनके साथ बहुत समय गुजारा है. हमारे घर आ जाया करते थे, किचन में अंदर चले जाते थे, क्या खाना है खुद बनाने लगते थे, कुक को समझाने लगते थे. तो ये सब चीज़ें जो उनकी आत्मीयता थी वो भूलना मुश्किल है. ये फिल्म आपने डेडिकेट कर दी? बिल्कुल किया है, उनके ही श्रद्धांजलि में हम ये फिल्म प्रस्तुत करते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बिफोर वी यू नो आस्क यू समथिंग, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई बी लिविंग इन बॉम्बे नाउ, सो दैट आई एम जस्ट डूइंग एक्टिंग एंड डांस एंड एवरीथिंग. सो कबाड़ी का हिस्सा कैसे बना? एक्चुअली अनुपम इज देयर एंड सीमा जी है, तो सबको आई थिंक दे लाइक फैमिली. सो She's a very, my name is Chali in the film and she's a very cute girl and Vijendra ji, daughter play kar rahi hai. So she falls in love with the son of the Kabadi family. So
that's how the whole thing starts ki kaise ye dono ko milte hain aur wo jo sab kuch hota hai film ke andar to kya kya hota hai iske baare mein कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने दिग्गज कलाकार से उनका हिस्सा है सारिका जी अनु कपूर साहब मिले पाकिस्तान क्या सीखने को इतना कुछ सीखने को मिला मैं आपको बता नहीं सकती बिकॉज ऐसे लोगों के साथ काम करना वेटरन एक्टर्स के साथ काम करना इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड की फर्स्ट फिल्म में सो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था अनफॉर्चुनेटली उनको जी नहीं है बट आई थिंक मैंने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है हाउ हम्बल दे आर एंड हाउ दे एक्ट दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट Okay, you did. Everyone is here who are here. We dedicate most of the time to our own body. Right. What's your name? You do people, everyone is dedicating most of the time to our own body. Dhyan Devi, what's your name? Because both of them, film ke andar is still the strongest point because he's been so good and he's got a role in film. He's got a whole narrate kiya hai. So I think ki wajah se film mein pura chaar chaand lag gaya. अगर होता भी हूँ नॉस्टैल्जिक तो थोड़ी देर के लिए और वर्तमान सामने आके खड़ा हो जाता है इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं कि नॉस्टैल्जिक हो के आनंद उठाने का समय नहीं है वैसे भी 62 साल का होने वाला हूँ सो अब जितने दिन भी बाकी रह गए उसमें ठीक से काम कर जाऊँ बस यही वेरी ऑब्वियस आई थिंक दिस इज ओमपुरीज लास्ट फिल्म और आप ओमपुरी से क्या रिश्ता है मेरा आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ये फिल्म तो मुझे अनूप भाई और मेरी बहन के लिए सीमा के लिए बनी है हमारी एक ही बहन है हम तीन भाई हैं एक बहन है तो इसमें कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी और आप ये देखिए कि हमारे जो बड़े भाई साहब हैं रंजीत कपूर जी उन्होंने बैकग्राउंड किया तो कहीं ना कहीं एक बहन को सपोर्ट करना बहन का साथ देना मेरी जगह अगर आप भी होते और आपकी बहन भी यही पूछती तो भाई वो कोई बड़ा आप समझ रहे हैं अभी भी हाँ वो तो है ही यार आप जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं सुन रहे हैं आप सबकी बहनें हैं आज बहन आके कहेगी ये करना है आप क्या पूछोगे क्या उससे नहीं ना ओके उसके अलावा कैसा एक्सपीरियंस रहा देखिए मैं बहुत हार्डकोर प्रोफेशनल हूँ मैंने अपने काम से काम मतलब रखा है उस मामले में बहुत प्रोफेशनल अपने काम करने के वक्त मैं बहुत ही अनुशासित हूँ बहुत डिसिप्लिन हूँ बहुत ईमानदारी के साथ काम करता हूँ और अगर मुझे कोई चीज़ जचती नहीं है तो बोल भी देता हूँ नहीं उसके मेरे बीच मेरी बहन ने तो समझ थी वो मुझे चुपके से आके बता देती थी कि मुझे शायद ये करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो ऐसा देखिए मेरी बहन अपने आप में स्वयं सक्षम है उसको अपने भाइयों का मॉरल सपोर्ट चाहिए प्रेम चाहिए आशीर्वाद चाहिए उसको क्रिएटिव कोई हेल्प नहीं चाहिए ओके वो अनूप भाई बता पाएंगे ओम छंगानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है वो बता पाएंगे मैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन सुना है 500 प्रिंट तो रिलीज करेंगे ओके सारिका जी भी हिस्सा है जिनका बहुत मेरे ख्याल मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त के बाद उन्हें देख रहे हैं और एक रैक स्पीकर का उनको मेरा कास्टिंग आई थिंक सारिका इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर मेरा उनसे कोई वाकफियत है नहीं ना मैं उनको जानता हूँ और वो मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं बस वो वाइफ का रोल प्ले किया मुझे जो मेरी सिस्टर ने कहा वो मैंने प्ले कर दिया शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था उनसे मेरी कोई ज़्यादा सानिध्य नहीं है ना कोई मेरी उनसे कोई इतना ज़्यादा घनिष्ठ था अरुण जी आप अपने आप से एक संग्रहालय हैं दुनिया भर की बातें आप पीछे पे बोलते हैं और आपको याद नहीं रहती कि आपने अंदर एक बात का जिक्र किया परवीन माधव वो जानना चाहूँगा मैं आई वॉज नॉट इन साइड टू माई कैमरा जी जी फिर वो संग्रहालय अपने आप में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता
बहुत रिसर्च है, बहुत शोध करना पड़ता है, और आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म से, पत्रकारिता से, वहीं से उठाते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को. अगर वो स्टोरी रियल होती है, जेन्युइन होती है, ऑथेंटिक होती है, तो उसको ही मैं अपनी भाषा में, आपने लिखा होता है अपनी भाषा में, उसको आपने लिखा होता है राइटिंग में, मुझे बोलना है वर्बल होके, मैं बोल देता हूँ. हाँ हाँ, अरे बिल्कुल. तो अरे आप सुनो, का जर्नलिज्म का किस्सा है पूरा का पूरा, लोगों ने देखा है वो किस्सा. ये त्रासदी है. अगर मैंने कहा ना, आप थे नहीं, मैं अगर उसको बोलूं कि वो हीरोइन सड़क पे आ गई अपने प्रेमी को मनाने के लिए, और सड़क पे आने के बाद उसने देखा कि वो स्टार्क नेकेड है, या निर्वस्त्र है, या वस्त्रहीन है, जब ये शब्द बोलूंगा तो वल्गर नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं ये बोल दूंगा कि वो नंगी थी तो वल्गर लगेगी. इसका समझना उसी को आ सकता है जिसने भाषा का ज्ञान हो, जो उर्दू समझता हो, हिंदी समझता हो, अपने देश की भाषा समझता हो, अपने देश के मनस समझता हो, सिर्फ महानगर को नहीं समझता. तो ये आप लोगों ने जो लिखा है, मैं जैसे कह रहा था ना कि एक ज़माना था जर्नलिज्म के अंदर बहुत साहित्यकार लोग आया करते थे, ऐसे राइटर्स आया करते थे जिनका इंटेलेक्ट था. आज हमारे सामने ये चैतन्य खड़े हुए, इन्होंने पढ़ा है, ज्योति की स्टडी है. ऐसा नहीं कि उठ के किसी के बारे में कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बात रिसर्च करेंगे, लिखने से पहले 10 बार सोचेंगे कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया जाए. लेकिन समय के साथ साथ समाज का पतन है तो पत्रकारिता का भी पतन हो जाता है. धन्यवाद.